खबर लखनऊ से आ रही है, जहां गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए ट्रैफिक का रूट बदल दिया जाएगा। आपको बता दें बंदा रोड झूलेलाल पार्क की ओर से वाहन नहीं जा सकेंगे। आपको बता दें लखनऊ में गणेश विसर्जन को लेकर ट्रैफिक बदल दिया गया है, ट्रैफिक प्रतिमा विसर्जन पर बदला रहेगा ट्रैफिक। लखनऊ में बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जुलूस की समाप्ति तक शाम तक ट्रैफिक रूट बदला रहेगा। आपको बता दें जुलूस लखनऊ के 9 रास्तों पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, बंदा रोड झूलेलाल पार्क की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। लखनऊ वासियों के लिए ये बड़ी खबर है, गणेश प्रतिमा विसर्जन पर लखनऊ में ट्रैफिक बदला रहेगा। लखनऊ के 9 रास्तों पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी, जुलूस शाम तक, जुलूस की समाप्ति होने तक ये ट्रैफिक बदला रहेगा। आपको बता दें इनके रूट चेंज कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही गणेश विसर्जन प्रतिमा पर कई कुल 9 रास्तों पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। जुलूस को देखते हुए ये रास्ते बदले गए हैं, जुलूस की समाप्ति तक शाम तक यानी आज शाम तक ट्रैफिक रूट बदले रहेंगे। जिस बंदा रोड झूलेलाल पार्क की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। आपको बता दें बड़ी खबर लखनऊ से है, गणेश प्रतिमा विसर्जन पर ट्रैफिक रूट बदले रहेंगे, कुल 9 रास्तों पर यातायात व्यवस्था बदली रहेगी, जिसके कारण जुलूस की समाप्ति, शाम को जुलूस की समाप्ति होने तक ट्रैफिक रूट बदला रहेगा। आपको बता दें बंदा रोड झूलेलाल पार्क की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे।